दोस्तों आज की ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग पेपल अकाउंट पर इनवॉइस बना सकते हैं, हाउ टू क्रिएट इनवॉइस इन पेपल अकाउंट। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में फिर आपको हम प्रैक्टिकल जानकारी देंगे, तो इस पूरी वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्ड यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि पेपल पर इनवॉइस कैसे अपन क्रिएट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको बिट प्रैक्टिकल दिखाना चाहूँगा। देखिए, तो अभी एक कंपनी है, उससे मेरी बात चल रही है, उसने मुझे एक ईमेल आईडी पे बिल बनाने के लिए कहा हुआ था, तो मैंने उसको एक बिल बना के सेंड कर दिया है। जैसे वो बंदा इस बिल पे क्लिक करेगा, इसे मान लो मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए मैंने कॉपी किया, वन मिनट, देखिए वन मिनट कॉपी कर लिया, ठीक है। जैसे वो बंदा इस बिल पे क्लिक करेगा और अपने कंप्यूटर मोबाइल में कहीं से भी इसको खोलेगा, तो उसके सामने ऐसा इनवॉइस देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, पहले पहले समझ लीजिए इनवॉइस होता क्या है। थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी लोडिंग चल रही है। देखिए, तो आप देख पाएंगे इनवॉइस मतलब जिस नाम जिसने बिल बनाया उसका नाम ये लिखा हुआ है, और जिसके लिए बिल बनाया गया है उसका नाम यह लिखा हुआ है, ठीक है। और कितने का बिल बनाया है देख सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन पर लिखी हुई है, पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा इनवॉइस आप कैसे बना सकते हैं पेपल अकाउंट पे, अगर कोई कंपनी आपसे बोल दी कि भैया आप हमारी ईमेल आईडी पे इनवॉइस बना के सेंड कीजिए, तो आप कैसे कर पाएंगे, यही आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। इसमें फ़ायदा क्या होता है मैं बताना चाहूँगा। देखिए, पहले सिंपल अभी ये पेड हो गया, जब अनपेड होता था, पेड करने के लिए ऑप्शन देता है, इसी व्यक्ति पेड पर क्लिक करता है तो अपनी ईमेल आईडी डाल के या कार्ड नंबर डाल के आपको पेमेंट कर सकता है। ये पेड हो चुका है, इसका पेड लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए करना क्या है। सबसे पहले आपको इनवॉइस बनाने के लिए मैं पूरा बंद कर देता हूँ। आपके लैपटॉप कंप्यूटर में जो भी ब्राउजर होता है उसको ओपन करिएगा। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे सर्च करना होगा paypal.com। जैसे आप paypal.com सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है, ठीक है। और यहाँ आपको राइट हैंड साइड में दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक लॉगिन, दूसरा साइन अप, ठीक है। आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाता है, तो आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ डाल देना है। उसके बाद सिंपल लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, चंद सेकंड वेट कीजिएगा, तो आपके सामने पेपल का इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड एंड रिसीव। सिंपल आपको सेंड एंड रिसीव पर क्लिक करना होता है। जैसे आप सेंड एंड रिसीव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं इनवॉइस बिल कैसे बनाए, तो उसकी ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मोर वे टू सेंड, यहाँ लिखा है सेंड इनवॉइस, ठीक है। तो सिंपल से क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो लोडिंग हो रही है, वेट कीजिए, देखिए इस टाइप से। तो यहाँ लिखा हुआ बिल टू, तो बिल टू में दोस्तों जो भी बंदा आपसे बिल मांग रहा है उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी या पेपल की आईडी आपको डालना होती है, जिस भी आईडी पर वो आपसे बिल मांग रहा है, ठीक है। तो आपको आईडी यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आईडी यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। सिंपल डालने के बाद आपको ऐड कस्टमर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप ऐड कस्टमर पर क्लिक करेंगे, अगर उसमें कुछ नाम दे रहे हैं, आप नाम डाल सकते हैं, लास्ट नेम डाल सकते हैं, बिजनेस नेम डाल सकते हैं, कंट्री डाल सकते हैं, ये सब ऑफिशियल है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं। सिंपल आपको ऐप पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस ऐप पर हो गया। सेकेंड जो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको चीज़ देखने को मिलेगी, टेम्पलेट दी हुई है, करेंसी दी हुई है, आपको करेंसी पर क्लिक करना है। करेंसी में तो आपसे उसकी कौन सी करेंसी में डीलिंग हुई है, यूएस डॉलर में हुई है, इंडियन रुपीज में हुई है, जो भी डॉलर में हुई है, जो भी करेंसी में डीलिंग हुई है, वो करेंसी आपको सेट करना होती है। करेंसी का ऑप्शन आपको ऊपर देखने को मिलेगा टेम्पलेट के बगल में। जिस कंपनी से मेरी डीलिंग हुई है, मान लो मेरी यूएस डॉलर में हुई है, तो मैं यूएस सेलेक्ट कर दूंगा। देखिए यूएसडी, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ये करने के बाद सिंपल ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने उसको कितने आइटम दिए थे, आप देख पाएंगे जो बिल है पहले वाला, तो उसको मैंने आइटम दिए हुए हैं दो, देख सकते हैं लिखा हुआ मैंने दो आइटम दिए हैं। तो सिंपल जो प्रमोशन लिखा हुआ है, लिख दूंगा दो आइटम, ठीक है। आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। तो यहाँ मान लो आपने टू आइटम लिख दिए, तो मैं कर दें यूट्यूब प्रमोशन टू वीडियो, फॉर एग्जाम्पल। जैसे मान लो उसने आपसे एक प्रोडक्ट लिया तो एक लिखेंगे, दो लिए तो दो लिखेंगे, तीन लिए तीन लिखेंगे, इस टाइप से, ठीक है ना। तो जो भी उसने आपसे काम करवाया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस कितना, आपको कितने डॉलर की उससे डीलिंग हुई है, तो मेरी जो डील डीलिंग हुई है वो होगी 70 डॉलर की, तो उसका यहाँ पे 70 लिख देंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक डॉलर लग जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा नीचे आपने डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहें, इसे मान लीजिए बिल देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में, ये देखिए, ठीक है। टू यूट्यूब वीडियो प्रमोशन लिंक दे दीजिए, और जो आपने काम करा हुआ उसके अकॉर्डिंग आप लिंक भी दे सकते हैं। तो जो भी आपने काम करा, भाई मैंने आपकी वीडियो बनाया है,
है ना, यूट्यूब प्रमोशन करा हुआ है, तो मैं यहाँ पे मान लो मैंने एक उसी जगह डाल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हो, थोड़ी बल मिट्टा चला गया अपना ये, ठीक है, डाल दिया पूरा, ठीक है, या पूरा भर दिया मैंने, ठीक है। तो अगर आप किसी कोई अगर वीडियो वगैरह बनाई किसी कंपनी के लिए कोई प्रोडक्ट अगर भेजा है तो उसका लिंक आप डाल सकते हैं, वीडियो का लिंक डाल सकते हैं, दोनों वीडियो का, वीडियो बन करके वीडियो टू करके, मान लो मैंने दो वीडियो बनाई $70 में, वीडियो वन प्रमोशन वीडियो वन और यहाँ पर दूंगा प्रमोशन वीडियो टू, ठीक है। जैसे कि आप देख पाए इसको बड़ा भी कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिख के दिया मैंने, लिंक भी दी हुई है, ठीक है। जब आपको व्यक्ति क्लिक करेगा तो उसको देखने को मिलेगा कि हाँ आपने ये वाला काम करा हुआ है, ठीक है, आप डाल दीजिएगा। सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, अभी आप समझ रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग पूरा भर दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ अगर आप कोई टैक्स वगैरह सब लेना चाह रहे हैं तो टैक्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं आपको इसकी। अगर आपको कोई मतलब टैक्स वगैरह भरते हैं वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल पूरा भरने के बाद आपको कुछ भी इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, नीचे भी कुछ ज़्यादा नहीं लिखना आपको, सिंपल आपकी मर्जी है, जितना आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा कितने आइटम आपने दिए हैं, उसको क्या करा है, वो कितना प्राइस है, उसको आप देख पाएंगे। यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा इस टाइप, सिंपल कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेंड, ठीक है। अगर यहाँ पर लोगो लगाना चाहें अपनी कंपनी का, यहाँ पर क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे आप, और जो आपका लोगो है लोगो अटैच कर दीजिएगा, ताकि आप देख पा रहे हैं, देखिए लोगो लगा हुआ है, ठीक है। बाकी ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पेपल अकाउंट के आधार पर ऑटोमेटिक सेट हो जाती है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे लोगो लग चुका है। इसके अलावा अगर आप इनवॉइस नंबर को चेंज करना चाहें तो 4-5-6 करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सेट हो चुका है, देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, और अगर आप इसमें कुछ और भी जोड़ना चाहें तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, तो मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अगर कुछ और आइटम आपको जोड़ना है, कुछ और सर्विस जोड़ना है तो वही जोड़ सकते हैं। पूरा सेट करने के बाद सिंपल कुछ भी नहीं करना, सेंड पर क्लिक करना है। पहले चाहे तो व्यू करके देख सकते हैं, व्यू भी दिखाता हूँ बड़ी आपको, ठीक है। व्यू जब क्लिक करेगा तो ऐसा देखने को मिलेगा, देखिए इस टाइप से लिखाएगा, इस टाइप का नाम लिखाएगा, ये पूरा लिखाएगा, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपको सेंड पर क्लिक कर दीजिएगा। जिसको आप सेंड पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो इनवॉइस है वो सेंड हो चुका है, ठीक है। अगर वो बंदा इस पर जैसे कि मान लो उसी की ईमेल आईडी पे जाएगा, उसको देख सकता है, और मान लो वो लिंक मांग रहा है आपसे, तो ये तीन डॉट पर क्लिक करके आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कोई ऑप्शन देखने को मिलेगा शेयर लिंक का, इस पर क्लिक करेंगे और कॉपी लिंक करेंगे, और जब भी मान लो बंदा इस लिंक को ओपन करेगा तो उसको ऐसा देखने को मिलेगा, इस टाइप से देखिए दिखाना चाहूँगा। वैसे जिसका मेल आईडी दिया हुआ है उसके पास तो ऑटोमेटिक पहुंच ही जाएगा पेपल अकाउंट में, उसकी मेल आईडी में भी, और मान लो अगर वो लिंक वगैरह मांग रहा है तो वो लिंक दे सकते हैं, जब वो लिंक को ओपन करेगा तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे वो पे क्लिक करेगा तो सिंपल अपना जो अपना पेपल का आईडी पासवर्ड डालेगा या अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर वगैरह डालेगा, आपको पेमेंट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम लोग अपने पेपल अकाउंट पे इनवॉइस लिंक क्रिएट कर सकते हैं, इनवॉइस क्लिक कर क्रिएट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है हम लोग पूरा अच्छे से समझ गए होंगे विस्तार से, और कोई शिकायत या कोई समझ में नहीं आई तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।